हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजु सहाय और वेलकम करता हूं आप लोगों को मेरा चैनल मॉड्यूल्स गार्डनिंग टेक्निक में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो मौसमी का प्लांट होता है, जो मालदा मौसम भी होता है, उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। उसको हम कैसे केयर कर सकते हैं पॉट में बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पॉट में हम कैसे मौसमी को या फिर मालदा मौसमी को, जो सीट्रस फैमिली से बिलोंग करता है, उस प्लांट को हम पॉट में कैसे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें एक फल लगा हुआ है, बहुत सारे फल था जो बाद में पक गया और मैंने उसको काट लिया, तो ये सिर्फ ये फल बचा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये और बड़ा होगा। तो अभी क्या होगा, एक या दो महीने में इसमें फूल आने आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अभी इसको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। इसकी जो सॉइल है उसमें कुछ हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है अगले सीजन में इसमें फल ना आए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो सॉइल है उसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र हमें ऐड करना होगा। आप केमिकली भी ले सकते हो या फिर ऑर्गेनिक भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑर्गेनिक बेस्ट होता है, तो इसीलिए आप ऑर्गेनिक ही ले लो, क्योंकि ऑर्गेनिक से हमें भी नुकसान नहीं होता और प्लांट को भी नुकसान नहीं होता। और केमिकल में अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो प्लांट के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक ही बेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो मैं दे दूंगा, लेकिन कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले इसकी जो सॉइल है इसको हम थोड़ी सी गुदाई कर लेंगे, और उससे पहले ये जो कुछ अनवांटेड निकल गया है पॉट में, इसे मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि जो पॉट में न्यूट्रिएंट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स ये भी ले लेता है, और हमारी जो सॉइल है उसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता, तो इसे हमें निकाल देना चाहिए। और जो चाहे मौसमी का प्लांट हो या फिर लेमन का प्लांट हो, टाइम टू टाइम हमें उसकी जो मिट्टी होता है पॉट में, जो सॉइल होता है, उसे हमें गुदाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, ऐसे जो कुछ उग जाता है ये नहीं होता, और जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं उसका जो बैलेंस है वो अच्छा रहता है, इसीलिए हमें गुदाई करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को निकाल दूंगा। तो ये मैंने निकाल दिया है फ्रेंड्स। जो सिट्रस की फैमिली होता है, जो प्लांट होता है, चाहे मौसमी का हो या लेमन का हो या फिर मलदा का हो या फिर ऑरेंज का हो, उसको ऐसी सॉइल पसंद होता है जो एसिटिक हो। आपकी प्लांट आपकी जो सॉइल है वो एसिटिक सॉइल होना चाहिए। अगर आपकी सॉइल एसिटिक नहीं है तो आप उस पर रोज थोड़ा थोड़ा जो चाय की पत्ते होते हैं, जो चाय बनाने के बाद पत्ते रह जाता है, वो आप डालते रहोगे तो आपकी सॉइल धीरे धीरे एसिटिक बन जाएंगे, जो लेमन की प्लांट के लिए या ऑरेंज की प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस पर मैं जो फर्टिलाइज़र ऐड करूँगा वो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ये है, इस पर दो चीज़ है, एक तो है इसमें सरसों की खली और दूसरा है बोन मिल, जो प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैं बस इतना सा ले लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। और ये जो है ये बोन मिल पाउडर है, इसको भी मैं थोड़ा सा ले लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब मैं इन दोनों को मिला के की सॉइल पे ऐसे दे दूंगा। और अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे गुदाई कर दूंगा, क्योंकि जो फर्टिलाइजर मैंने डाला है वो नीचे तक चला जाए। ये मैंने मिला दिया है फ्रेंड्स।
ये आप देख सकते हो। अभी आप चाहो तो इसमें थोड़ी सी मात्रा में डीकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर फर्मी कंपोस्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमें महीने में एक बार आप लेमन के प्लांट हो या फिर ऑरेंज का प्लांट हो या फिर मलदा का प्लांट हो, महीने में एक बार उसे कोई भी फर्टिलाइज़र हमें देना पड़ता है, क्योंकि ताकि जो पॉट में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसका जो बैलेंस है वो अच्छा रहे। क्योंकि जितना भी प्लांट बड़ा हो जाता है, जितना भी रूट उसका बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, उतना ही पॉट में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स टाइम टू टाइम देना पड़ता है, तभी हमारी जो पॉट में प्लांट है वो हर साल फूटिंग पे आएगा, नहीं तो इसमें फूल आना या फिर फल आना बंद हो जाएगा अगर हम टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात होती है फ्रेंड्स। अभी आप क्या इसमें डीकम्पोस्ट हुआ गोबर की खाद भी दे सकते हो या फिर कंपोस्ट या फिर फर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो, तभी आपके प्लांट पे टाइम टू टाइम फ्रूट आता रहेगा। तो फ्रेंड्स और एक बात, जब भी आप किसी प्लांट पर फर्टिलाइज़र दो उसके बाद थोड़ी सी प्लांट को हमें प्रूनिंग कर देना चाहिए, ऐसे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे हमें थोड़ी सी प्रूनिंग कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम फर्टिलाइज करेंगे प्लांट को तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा मिलता है और इसकी वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही अच्छा होता है। बस इतना सा, इससे ज़्यादा नहीं। तो प्लांट आप देख सकते हो, अभी क्या होगा कुछ महीने बाद इसमें फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे और फल भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो अगर हम इसको फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम नहीं देंगे तो इसमें फूल आना बंद हो जाएगा, फल भी नहीं आएगा। तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी बात है, टाइम टू टाइम हमें जो प्लांट हमारे पॉट में है उसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करना पड़ता है। और आप ऑर्गेनिक भी दे सकते हो या फिर केमिकली भी दे सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिक ही ट्राई करना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनिक बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस प्लांट को मैंने कटिंग से ग्रो किया था, ये आप देख सकते हो, ये जो नीचे का हिस्सा है इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और कैसे ग्रो किया था इसका वीडियो कल जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। उसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बाद में मैंने इस पर यहां से ग्राफ किया था। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये लेमन का है और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये मलदा मौसम्बी का है, मैंने इसको ग्राफ किया था। और वो वीडियो अगर आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स जब इसमें फल आना शुरू हो जाएंगे तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।